जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों फाइनली डायरेक्टर्स रेमुनरेशन के ऊपर जीएसटी की जो कंट्रोवर्सी थी कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन आरसीएम में कवर होगा या नहीं होगा, वो क्लियर हो चुका है क्योंकि डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इश्यू कर दिया इसके रिगार्डिंग। कौन से केस में डायरेक्टर्स का जो रेमुनरेशन है वो आरसीएम में कवर होगा और कौन से केस में ये शेड्यूल 3 में कवर होगा, यानी कि वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मार्च महीने में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पर मैंने अपना व्यू रखा था कि कौन से केसेस में डायरेक्टर्स के रेम्युनरेशन के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए आरसीएम के अंडर और कौन से केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। तो मेरा व्यू सिमिलरली इस सर्कुलर के व्यू की तरह ही है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे भी मैंने काफी कुछ डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर डिस्कस कर लेते हैं और सर्कुलर में क्या कहा था ये देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर है 140, इश्यू है 10 जून 2020 के दिन। अब यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और कहा है कि काफी सारे ट्रेड्स में से लोगों की क्वेरी आ रही है कि डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, शेड्यूल 3 में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने दो चीजों में डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन को बाइफरकेट किया है, दो कैटेगरी उसकी बनाई है। पहला है लेवलबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑन द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिफाइंड इन टर्म ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और दोज डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। और दूसरा लेवीबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्युनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनीज। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर होगा और वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा और वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कंपनी को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना रहेगा। आगे देख लेते हैं क्या है, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं तो अभी आप देख पाओगे। ओके, द डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड डज He may be person who is not an employee of the company। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि होल टाइम डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉई है कंपनी का, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है वहां पे जो नॉन एम्प्लॉई है वो भी कवर हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ उसका डेजिग्नेशन होल टाइम है अगर है तो उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ऐसा मान लेने की जरूर नहीं है, पूरा नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखना रहेगा। अगला है The definition of independent director under section 149 subsection 6 of the Companies Act read with rule 12 of the Companies Act rules 2014 make it amply clear that such director should not have been employee। yani independent director hoga wo to confirm employee nahi hai company ka, agar koi bhi independent director hai uske case mein to compulsory RCM lagega aur GST pay karna rahega। ab बचे हुए सिर्फ ये एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द कंपनी इन लियो ऑफ द रेम्युनरेशन एज द कंसीडरेशन फॉर द सेड सर्विस आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ द शेड्यूल 3। यानी कि जो एम्प्लॉई नहीं है वो जो शेड्यूल 3 है उसके स्कोप के बाहर है, इसलिए वहां पर जीएसटी लगेगा और कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज। अगला है लेवलबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर्स हु आर आल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द सेड कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर वो एम्प्लॉई है तो क्या होगा, अब देखिए एकदम उन्होंने वर्ड यूज किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम एंड डेजिग्नेशन इज एन एम्प्लॉई इट वुड बी पर्टिनेंट टू एग्जामिन वेदर All the activities performed by the directors are in the course of employer-employee relation, that is contract of the service, or is there any element of contract of service? Contract of service का कोई element है और employer-employee relationship establish हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है, उसका designation या नाम नहीं देखना है। The issue has been deliberated
by various court and it has been held that director who has also taken an employment in the company may be functioning in dual capacity, namely as one as director of the company and the other on the basis of contractual relationship of master and servant of the with the company, that is under the contract of the service employment entered into with the company. तो हो सकता है कोई पर्सन जो दोनों चीज दे रहा हो, जैसे कंपनी का एम्प्लॉय भी हो और दूसरी एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा हो. इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट सिमिलर डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेयर इन सैलरीज पेड टू डायरेक्टर आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. हाउएवर इन केसेस वेयर रेम्यूनरेशन इज in the nature of the professional fees and not salary, the same is liable to deduct under section 194J. तो ये कहा गया है कि जब भी director को salary pay करी जा रही है और उसका tax deduction जो है 192 के अंदर हो रहा है, यानी कि salary के head में हो रहा है, तो salary में रहेगा और जो other services है उसके लिए 194J के अंदर उसका TDS का deduction हो रहा है, tax का deduction हो रहा है, तो वो अदर सर्विस होगा. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है, अगर टीडीएस का डिडक्शन, टैक्स का डिडक्शन जो है 192 के अंदर हो रहा है तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट ऐसा माना जाएगा और उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. जबकि अदर सर्विसेज है जहां पर टैक्स का डिडक्शन अंडर सेक्शन 194J के अंदर हो रहा है तो वहां पर कंपनी को आरसीएम में जीएसटी पे करना रहेगा. देख लेते आगे. Accordingly, it is clarified that the part of director's remuneration which are declared as a salary in the books of the company and subject to TDS under section 192 of the IT Act are not taxable, being consideration for service by the employee to the employer in the course of or in the relation to his employment in terms of Schedule 3 of the CGST Act. एकदम सिंपल कह दिया है कि अगर सैलरी का जो आप पे कर रहे हो सैलरी और उसका डिडक्शन जो हो रहा है टैक्स का 192 के अंदर हो रहा है तो वो शेड्यूल 3 के स्कोप में आएगा और जीएसटी नहीं लगेगा. अगला है, इट इज फर्दर क्लियरिफाइड दैट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर सेपरेटली अदर देन सैलरीज इन द कंपनीज अकाउंट एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J ऑफ द आईटी एक्ट as the fees for professional and technical services shall be treated as a consideration for providing services which are outside the scope of schedule 3 of the CGST act and therefore taxable. तो कंपनी की books of account में जो पेमेंट हो रहा है डायरेक्टर को और वो books में इस तरह से डिक्लेयर किया गया कि fees for technical services या professional services और tax का deduction जो हो रहा है वो section 194J के अंदर हो रहा है तो वहां पर कंपनी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो ये हो गया सर्कुलर. ये इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है जो सर्कुलर में कवर नहीं की गई है. जैसे कि सपोज करो आप डायरेक्टर हो और आपने प्रॉपर्टी जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पर देके रखी है और कंपनी आपके पास से वो रेंट जो प्रॉपर्टी है वो लिया है और आपको रेंट प्रोवाइड कर रही है. अब रेंट का जो टीडीएस रहेगा उसका सेक्शन रहेगा 194I. तो उस केस में यहां पर 92 नहीं आया, 194J भी नहीं आया, 194I आ गया. लेकिन यहां पर भी जो डायरेक्टर है वो अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अदर देन जो उसकी सैलरी वाली सर्विस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है. इसलिए अगर डायरेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी जो अगर कंपनी को रेंट पर दी होगी तो उस केस में रेंट के केस में भी मेरे हिसाब से वो जो जीएसटी है वो आरसीएम बेसिस पे पे करना पड़ेगा. रेंट के अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि कार जो होगी, कार भी अगर कोई डायरेक्टर ने कंपनी को रेंट पे दी है तो उस केस में भी आरसीएम लगेगा और कंपनी को आरसीएम बेसिस पे कार के रेंट के ऊपर जीएसटी पे करना रहेगा. वैसे भी कार के ऊपर जो रेंट है वो आरसीएम में तो ऑलरेडी कवर है फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2019. इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो ये था आज का अपडेट दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.